हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेज पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से एक बहाली निकाली गई है। ये भर्ती अप्रेंटिस के पद के लिए निकाली गई है। ये भर्ती अलग अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत कम रखी गई है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी रेल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस का जॉब कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या सैलरी मिलेगा, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन विदाउट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इस पेज पे आ जाना होगा। इस पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, यहाँ पे दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। इसमें आप सभी के लिए अप्रेंटिस का जॉब निकाला गया है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि उसमें क्या क्या आपको मांगा जा रहा है। प्लस में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नोटिस जो है नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है कपूरथला के लिए निकला हुआ है और रेल कोच फैक्ट्री के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा और इसमें आपको सैलरी भी प्राप्त होगा। अब इसमें अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग जैसे ही आपका पूरा होगा उसके बाद से आपका जो सैलरी है वो दुगुना हो जाएगा और आप इसमें परमानेंट जॉब कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको यहाँ पे 4/3/2023 से पहले आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। प्लस में उसके बाद से अगर आप ITI पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप सभी देख सकते हैं फिटर के लिए टोटल 215 वैकेंसी निकली हुई है, बेल्डर के लिए 230 वैकेंसी निकली हुई है, उसके बाद से मैकेनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी निकली हुई है, पेंटर के लिए 5 वैकेंसी निकली हुई है, कारपेंटर के लिए 5 वैकेंसी है, उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन के लिए 75 वैकेंसी है और उसके बाद से AC एंड रिफ्रेशमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल यहाँ पे 550 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप फिटर किए हुए हैं ITI में तो आपको फिटर में भरना होगा, अगर आप बिल्डर हैं तो आपको बिल्डर के लिए भरना होगा, अगर आप मैकेनिस्ट हैं तो यहाँ पे आपको मैकेनिस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। आपके पास ITI का जो भी सर्टिफिकेट होगा, फिटर का होगा या इलेक्ट्रिशियन का होगा या कारपेंटर का होगा या पेंटर का होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना है। आपका मैट्रिक और ITI के परसेंटेज के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें बिना एग्जाम का आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके मैट्रिक और ITI के परसेंटेज के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दूसरे कॉलम में, यहाँ पे अगर दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स होगा तो उसके एज के हिसाब से उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एज जो है 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगा और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक में आपको कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन करते समय आपको 100 रुपए का फी पेमेंट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं SC ST PWD और ओमैन कैंडिडेट के लिए फी पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप जनरल कास्ट और OBC कास्ट से हैं तो आपको फी पेमेंट करना होगा, लेकिन अगर आप SC ST या PWD या ओमैन है तो आपको फी पेमेंट नहीं करना होगा। अब दोस्तों, बात आती है कि इसका ऑनलाइन हम आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रेल कोच फैक्ट्री, अब आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक न्यू टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आ गया, सफल पंजीकरण के बाद आपको आपके मोबाइल पे संदेश के माध्यम से लॉगिन ID प्रदान की जाएगी। 24 घंटे के बाद आवेदन जमा करने के लिए इस लॉगिन ID का उपयोग करें।
उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद ठीक या कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से फिर से आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद री इंटर ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब उस यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के आपको लॉगिन करना है और उसके बाद से सारी डिटेल आपको भरना होगा, उसके बाद से आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। यहां से आगे हम आपको प्रोसेस करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये साइट जो है अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ नहीं रहा है, जिसके चलते हम इसका आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो आप सभी को इसी तरह ट्राई कर लेना है और इसका ऑनलाइन आवेदन 4/3/2023 से पहले आपको कर लेना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप उस वीडियो का लाभ ले सकें।